आप सभी का स्वागत है, मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार में सोने में खरीदारी का ट्रेंड बढ़ जाता है। अगर इस फेस्टिवल आपको सोना खरीदना है तो बेहतर है आप गोल्ड ETF में निवेश करें। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव के बाद गोल्ड ETF में मीडियम टू लॉन्ग टर्म समय के लिए निवेश फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट से उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी CEO वाइज इन्वेस्ट से और विश्वदीप पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेमंत जी, विश्वजीत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। त्योहारों के समय सोने की ना सिर्फ मांग बढ़ती है बल्कि खरीदारी भी बढ़ जाती है, और ये जो पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने की ललक जो निवेशकों में होती है वो आमतौर पर इस टाइम में जरूर देखने को मिलती है। ना सिर्फ त्योहार बल्कि वेडिंग सीजन भी इसमें एक एडिशनल फैक्टर का काम करता है। पहले समझना जरूरी है हेमंत जी आपसे, क्या अभी ये निवेश को गोल्डन मौका अगर हम कह रहे हैं, किन कारणों से सोने में निवेश इतना आकर्षक क्यों लग रहा है? जी स्वाति, आई थिंक अगर हम सोने में निवेश करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों से सोने ने गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय भी अच्छी रहेगी। उसके कुछ कारण है, दो तीन मुख्य कारण ये हैं। एक तो हमने देखा है कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यू जब भी होते हैं दुनिया में, तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो गोल्ड में शेल्टर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, और अगर हम इसराइल को भी देखें तो तीन फ्रंट पे उनकी उनके इश्यूज चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके कारण सोना जो है हमेशा उस पीरियड में अच्छा करता है। दूसरी बात, अगर हम देखें सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे बाकी देशों में जो सेंट्रल बैंक्स है वो पिछले कुछ सालों से सोना काफी ले खरीद रहे हैं, और मुझे लगता है वो ट्रेंड अभी आगे चलता जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद जो उनकी बाइंग है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गई है, तो एक ये वो फैक्टर है उससे बहुत डिमांड जो है बढ़ जाती है। तीसरी बात यह है कि फेड रेट कट जो कर रहे हैं, और जब भी रेट कट होता है वो एक ऐसा सिनेरियो होता है वो गोल्ड के लिए हमेशा अच्छा होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि जैसे ही बात चली कि अब फेड रेट कट करने वाला है, तभी से हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिले, और वो ऐसा इसलिए होता है कि जब गोल्ड प्राइसेस जब फेड रेट कट करते हैं तो जो अमूमन जो पैसा डेट में जाता है वो मूव होके गोल्ड में आता है, क्योंकि डेट के रिटर्न जो है वहां पे कम हो जाते हैं। चौथा, अगर हम अपने देश की बात करें, फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और ये कई महीनों तक चलता है, तो जब ये फेस्टिवल सीजन आता है तो गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का जो प्राइस है उसको सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये मुख्य कुछ कारण है कि जो सोने की चमक जो है वो काफी बड़ी है, यहां से भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट किया है, ये फैक्टर्स अभी भी बने हुए हैं आगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक को गोल्ड को अगर देखना है, देखिए गोल्ड का रोल हमारे हर पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीके से होता है, हमारा समय कितना है, हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो सब फैक्टर्स तो रहते ही हैं, बट गोल्ड को हमेशा हम हेज भी मानते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हो, चाहे वो मार्केट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट हो, तो उसकी यूटिलिटी और जो फैक्टर्स है जिसके हिसाब से गोल्ड अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली उन निवेशकों के लिए जिनके लिए गोल्ड सूटेबल है उनके पोर्टफोलियो में, ये अभी भी मुझे लगता है अच्छा समय है कि वो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गोल्ड में निवेश के तो कई विकल्प आप सबके सामने हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड कहते हैं, फिजिकल गोल्ड तो है ही, निवेश उसे तो नहीं मानेंगे, पर कई लोग उसे या सिक्योरिटी या एक पारंपरिक तौर पर, एक शगुन के तौर पर अपने पास जरूर रखते हैं। पर आज हम गोल्ड ETF की खास चर्चा करने वाले हैं। गोल्ड ETF, जरा थोड़ा विश्वजीत जी समझाइए क्या खास रहता है गोल्ड ETF में। अगर हम कह रहे हैं कि गोल्ड में आप निवेश थ्रू गोल्ड ETF करें तो कोई क्यों करे, इसका फायदा क्या है किसी इन्वेस्टर के लिए? देखिए स्वाति जी, बिल्कुल, सबसे पहले देखें कि गोल्ड हमारे लिए बहुत हमेशा से ट्रेडिशनली बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रही है, चाहे हमारे ग्रैंडफादर रहे हों, चाहे ग्रैंडमदर रही हों, कोई डॉटर की शादी होनी है तो हम गोल्ड हर ऑस्पिशियस ओकेजन में खरीदते हैं, तो गोल्ड हमारे लिए एक बहुत अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट रही है। लेकिन अगर आप पीछे समय में देखें तो गोल्ड का जो, अगर हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं रही है, क्योंकि प्योरिटी चार्जेस का इशू रहता है, थेफ्ट का इशू रहता है कि कहाँ रखे हैं, बैंक में रखते हैं तो लॉकर चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये सब चीजों की वजह से एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड ETF। यहाँ पे आपको कोई थेफ्ट चार्जेस थेफ्ट नहीं है, कोई बैंकर चार्जेस नहीं है, तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है गोल्ड खरीदने का।
और बिल्कुल जो प्योरिटी है वो 99.5% या उससे ज्यादा की प्योरिटी मिलती है। तो आप जब और छोटे से पैसे से यानी कि 500 हजार रुपए से, जिसे हम फ्रैक्शनलाइजेशन कहते हैं, बहुत छोटी सी रकम से आप यहाँ पे खरीदना शुरू कर सकते हैं। दुकान पे जाएंगे तो आपको थोड़ा एक आध तोला खरीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है कि अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो गोल्ड ईटीएफ के प्राइसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं, और आप अपने गोल्ड को अप्रिसिएशन कर सकते हैं अगर आप लगता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली अक्सर कहते भी हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए है तो आप 10 रुपए तो किसी भी हालत में गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो ज्वेलरी में ना करते हुए अगर आप ईटीएफ में करते हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन मिलता है। और जैसे हेमंत जी बता ही रहे थे कि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, कोई लड़ाई का डर होता है या वॉलिटिलिटी होती है मार्केट में, तो ये कोरिलेशन इक्विटी मार्केट से ज्यादा नहीं होता है इसका, तो ये एक तरीके से हेज का लाभ देता है। अगर मार्केट गिरती है, अगर कुछ लड़ाई होती है, तो आपको गोल्ड, हमने अक्सर देखा है चाहे वो कोविड रहा हो चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हो, उस समय गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे सकता है, और लिक्विडिटी तो है ही, आप जब चाहे इसको बेच सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। तो बहुत सारे फायदे हैं, अच्छे रिटर्न्स, लिक्विडिटी, सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो, सारे लाभ आपको गोल्ड ईटीएफ में मिल जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात जानना जरूरी है हेमंत जी, वो है टैक्सेशन। अभी हमने कैपिटल गेन टैक्स में काफी बदलाव देखे हैं, और जिसमें गोल्ड ईटीएफ भी शामिल है। ऑफ कोर्स पूरे म्यूचुअल फंड में ही काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं, होल्डिंग पीरियड हो गए हैं, या फिर चाहे टैक्स रेट्स ही क्यों ना हो। गोल्ड फंड के टैक्सेशन में, स्पेशली गोल्ड ईटीएफ की जब हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके के बदलाव हैं सर, जरा ये समझाइए, क्योंकि थोड़ा लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि होल्डिंग पीरियड टिल सर्टेन पॉइंट ईयर या उसके बाद थोड़े बदले हैं, इसको जरा प्लीज क्लियर कीजिए। जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सोने में निवेश की। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमें फिजिकल गोल्ड नहीं देखना है, हमें पेपरलेस फॉर्म में अगर गोल्ड में हम इन्वेस्ट करें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जो विश्वजीत ने अभी समझाया बहुत अच्छे से कि किस तरह के हमें फायदे यहाँ पे होते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो स्पेशली क्योंकि गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत शॉर्ट टर्म तो नहीं होता है, मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट होगा ही, तो ऐसे में क्योंकि हम उसको एक निवेश की तरफ से सोच रहे हैं, जो टैक्स एफिशिएंसी या रिटर्न्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस मायने से अगर हम देखें तो आई थिंक जो यूनियन बजट 2024 में जो बदलाव हुए हैं उसने एक बार फिर से गोल्ड ईटीएफ को अट्रैक्टिव बना दिया है। उससे पहले थोड़े इश्यूज थे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक अभी जो टैक्सेशन है वो काफी अट्रैक्टिव हो गया, स्पेशली लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट पहले मैं ये समझा दूं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से टैक्सेशन होता है। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो उसमें रूल्स हैं कुछ। उसमें रूल ये है कि अगर आपने ईटीएफ में 1 अप्रैल 2023 को और या उसके बाद अगर इन्वेस्ट किया है, और आपने इस इन्वेस्टमेंट को 31 मार्च 2025 या उससे पहले इस पीरियड में अगर आपने बेचा है, तो जो भी आपका गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की। तो जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, वो आपकी इनकम में ऐड होगा, और जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अगर आप ईटीएफ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको 31 मार्च 2025 के बाद बेचेंगे, और अगर आपने उसको 1 साल नहीं रखा है, तब भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और वो आपकी इनकम में ऐड होगा। तो जैसा मैंने कहा, ये डेट्स रखना इंपॉर्टेंट जरूरी है और किस पीरियड में आपने खरीदा और बेचा। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो जो रूल एप्लीकेबल होगा जो 23 और 24-5 के बीच में, वो तो वैसा ही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे या रिडीम करेंगे 31 मार्च 2025 के बाद, और अगर आपने उसको 1 साल तक होल्ड किया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले हमने बात की थी कि 1 साल के अंदर बेचा है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 साल तक अगर आपने उसको होल्ड किया है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अब जो नए जो रूल्स हैं टैक्सेशन के, उसमें जो टैक्स होगा वो 12.5% होगा, राइट, एग्जैक्टली जैसा इक्विटी में है, तो उस तरीके से टैक्स होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देखें, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है कि इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, कुछ सालों के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक उसके जो रिटर्न्स हैं वो काफी एफिशिएंट हो गए अभी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गोल्ड फंड की बात करें इसके मुकाबले में, तो वहां पे ये जो पीरियड है 1 साल से बढ़ के 24 महीना हो जाता है।
तो आई थिंक अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम गोल्ड फंड और अगर गोल्ड ईटीएफ को कंपेयर करें तो गोल्ड ईटीएफ जो है कहीं बेहतर ऑप्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है निवेशकों को समझने का कि किस तरह से उनके रिटर्न गोल्ड ईटीएफ में टैक्स होंगे। बिल्कुल, तो टैक्सेशन हमने समझा और कुछ गोल्ड ईटीएफ के प्रदर्शन है आप देख सकते हैं, एक साल में लगभग 29% तक का रिटर्न तीन जो ईटीएफ है उसमें देखने को मिला है। एलआईसी का हो गया, एक यूटीआई का, एक इन्वेस्टको इंडिया का है, तीन साल में भी ऑलमोस्ट सेम ही है और अराउंड 13-14% का 5-5 साल का रिटर्न हमने गोल्ड ईटीएफ के प्रदर्शन में देखा है पिछले 1, 3 और 5 साल के प्रदर्शन के लिहाज से। तो ये तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की बात हुई। हमारे साथ पहले कॉलर भी आज जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दीपक राठौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार दीपक जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। अपने निवेश से जुड़ा सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे। आप आई एज्यूम 36 ईयर्स के हैं और पिछले कुछ टाइम से आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से, क्या प्लानिंग है आपकी? जी मैडम, नमस्ते मैडम। मैडम जो मैंने आपको SIP भेजे हैं, मुझे ये जानना है कि ये मेरा SIP ठीक है क्या? अभी मेरा प्लान क्या है कि मैं 5 साल में जो भी लार्ज कैप है इनमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और स्मॉल कैप में 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मुझे 20 साल बाद में 3 करोड़ रुपए चाहिए, मेरा टारगेट है। अभी मेरा 47,000 मंथली SIP है। ठीक है, ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या? जी मैडम, रिटायरमेंट प्लानिंग बोल सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बोल सकते हैं। मेरे क्या है, बच्चे वगैरह, फैमिली वगैरह, उसके लिए मुझे 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। ओके, 3 करोड़ का कॉर्पस, उनके पास फंड्स भी हैं कुछ जो हम आपको पोर्टफोलियो दिखाएंगे। अभी तक मेरा लगभग हिमंत जी जरा थोड़ा इनका पोर्टफोलियो, हाँ, 15 लाख तक का जो आपने कहा था, इतना कुछ वैल्यू है अभी आपका पोर्टफोलियो का ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी आपके सवाल का जवाब हेमंत जी से जान लेती हूँ। सर कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो और फंड्स कैसे हैं इनके? देखिए स्वाति, अभी 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले अगर हम इनकी गोल्स की बात करते हैं, उन्होंने शायद 2 गोल्स कहा है, एक 5 साल में इनको 1 करोड़ चाहिए और उसके बाद 15 साल और इनके पास समय है, वो 3 करोड़ का इनका जो टारगेट है। अभी जो इनका कॉर्पस एक्युमुलेट हुआ है वो 15 लाख का है और 47,000 की SIP वो हर महीने कर रहे हैं। तो अगर हम पहले गोल को एड्रेस करना चाहें 5 साल वाले को, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट की हम दोनों की ग्रोथ देखें, जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है और जो SIP है, तो करीब करीब 65 लाख का कॉर्पस बनेगा। दूसरा, उसके बाद उनके पास 15 साल का समय है 3 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए। तो क्योंकि वो 15 लाख जो एक्यूमुलेट हुआ वो हमने यूज कर लिया 5 साल के गोल के लिए, तो अब हम सिर्फ SIP जो है 47,000 की उसको कंसिडर करेंगे। ये अगर वो 15 साल करते हैं 5 साल के बाद, यानी तो वहां पे करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए उनका जो गोल है 5 लाख 5 साल वाला, अगर वो नहीं है तो फिर मुझे लगता है उनको प्रॉब्लम होगी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर उनको 5 साल के बाद वो 1 करोड़ चाहिए, तो फिर इनको 1 करोड़ की कमी होगी इनके टारगेट के अंदर। तो इनको मुझे लगता है तकरीबन 15 से 18 हजार से SIP को इनको बढ़ाना होगा ताकि वो अपने 3 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि 5 साल या 10 साल के बाद वो लार्ज कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेंगे और शायद सारा पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे। मुझे लगता नहीं वो एक सही स्ट्रेटेजी है। तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के, उनका अलग अलग रोल है, उनको तीनों का कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो में। तो पहली बात, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है पॉन्ड 10,000 रुपए, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। मिड कैप में इनके पास HDFC मिड कैप है, अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, बट इससे बेहतर ऑप्शन मिल सकती है आपको, जैसे मोतीलाल ओसवाल। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। SBI क्वांटा में इनके पास 5,000 है, उसमें आप बने रहें, और निपॉन स्मॉल कैप में 7,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बाकी जो फंड्स हैं उनके बदले में मुझे लगता है 2 फंड्स आप कंसिडर कीजिए। एक मल्टी कैप फंड, जहाँ पे तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो होगा कोटक मल्टी कैप, जहाँ पे आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और एक होगा बंधन को, जहाँ पे आप 7,500 इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपका 47,000 का ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप ऐसा बनाएं तो आपको फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू ऑल सेगमेंट्स और परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के हिसाब से। ओके, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर आए दीपक जी, हेमंत जी की ओर से कुछ बदलाव हैं हल्के फुल्के, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक ब्रेक का भी वक्त है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।
अपने म्यूचुअल फंड की SIP कम करें या ज्यादा? इस महीने कौन सा फंड है आपके लिए सबसे बेहतरीन? नए NFO में किस में लगाना है पैसा और किसे देना है छोड़? म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके हर एक काम की बात आ रही है आपके लिए म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। देखिए हर महीने मेरे साथ म्यूचुअल फंड का और पर्सनल फाइनेंस का ये फ्लैगशिप शो सिर्फ जी बिजनेस पर। आइए मणिगुरु में एक और कॉलर से बात करें। जयप्रकाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार जयप्रकाश जी, स्वागत करते हैं आपका मणिगुरु कार्यक्रम में। आपने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा, आप जानना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, थोड़ा सा डिटेल्स दें, कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी मैडम नमस्ते, स्वाति मैडम। मैडम मैं अनिल सिंघवी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। और मैं जी बिजनेस मैडम, मेरा जो मॉर्निंग होती है वो जी बिजनेस के साथ ही स्टार्ट होती है जी। अभी अभी मेरा जो एक्सपर्ट है उनसे मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे एक्चुअली SIP चल रही है 10,000 की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000, कोटेक इमर्जिंग मिड कैप में 1,000, SBI स्मॉल कैप में 2,000 एंड मेरे पास में पैसिव म्यूचुअल फंड है जिसमें कि HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2000 की SIP, निप्पोन इंडिया मिड कैप में 1500 की SIP और Edelweiss स्मॉल कैप में 1500 की SIP। देन मेरे पास में ETF में भी कुछ इन्वेस्टमेंट है मेरा, जिसमें उसमें मैं निप्पोन का निफ्टी 20 SIP 1000, निफ्टी 50 और ICICI नेक्स्ट 50 में 1000 की SIP और मेरा एसेट मिड कैप में 150 की SIP में करता हूँ मैडम। अच्छा 150 की, ओके ठीक है, ऑल राइट। तो आप जो ये 10 फंड में अराउंड SIP कर रहे हैं, ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हम समझे, जो अराउंड 10-12,000 की आप SIP कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम। ओके विश्वजीत जी, आपसे जरा समझ देते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। काफी इन्होंने अच्छा डाइवर्सिफाई किया है, एक्टिव भी है, पैसिव भी है, इंडेक्स में भी पैसा डाल के रखा है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज किया है। बताइए आपको कैसा लग रहा है? देखिए चौधरी साहब, अगर दिन की शुरुआत जी बिजनेस से कर रहे हैं तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। बट थोड़ा सा चौधरी साहब चेंज ये करना होगा कि आपने 3 मिड कैप फंड ले रखे हैं और 2 नेक्स्ट निफ्टी फंड ले रखे हैं, तो वही सेम आपने ETF फंड ले रखे हैं, वही करीब करीब इंडेक्स फंड ले रखे हैं। तो एक चीज तो समझना जरूरी है कि सेम कैटेगरी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम ETF में कर रहे हैं चाहे हम इंडेक्स में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो सेम है। तो इसका मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें कहीं काफी हद तक ओवरलैप होगा, यानी कि सेम तरीके के शेयर्स में आपने बार बार खरीदारी कर रखी है डिफरेंट तरीकों से, चाहे वो इंडेक्स है, चाहे वो एक्टिव फंड है, चाहे वो ETF funds है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपके पास 3 मिड कैप हैं और 2 नेक्स्ट निफ्टी 50 funds हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना होगा। इसकी जगह आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करें। म्यूचुअल फंड में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में तो आपका एक्सपोजर है ही, बट इसके अलावा आप और एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे कि वैल्यू स्टाइल फंड्स में ले सकते हैं या फिर किसी और तरीके के लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में ले सकते हैं, या फिर
आप अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव निवेशक हैं, तो आप थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में भी थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, और ये सेम तरीके के जो फंड हैं, तीन मिड कैप हैं जिसमें कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मिराई एसेट, निफ्टी मिड कैप 50 ETF, 150 ETF और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के फंड है। तो इसमें से एक फंड आप चुनाव रखें जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी अच्छी रिटर्न भी दे रहा है, तो इसमें आप कंसिस्टेंट है। बाकी दो फंड को आप डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश करें तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। और मैंने ऐसा देखा कि थोड़ा लार्ज कैप में एक्सपोजर कम है, तो आप लार्ज कैप में भी आप अपना निवेश और बढ़ा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है चौधरी साहब कि अगर आप एग्रेसिव निवेशक हैं तो आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर कम होना चाहिए। आप 40-50% अपना पोर्टफोलियो को लार्ज कैप में रख सकते हैं, जहां से आपको थोड़ी पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी भी मिलती है, और ऐसा माना जा रहा है कि लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, तो वहां भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ये थोड़े से आपको बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे कि लार्ज कैप में भी आप चुनाव कर सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जैसे फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और मैंने मुझे जो आपने सवाल भेजा था उसमें कई करीब करीब 13,000 की SIP आपने बताई है, तो 13,000 की SIP अगर हम 12% CAGR से चलते हैं और आपके पास एक लंबी अवधि है, यहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो करीब करीब 1.68 करोड़ बन जाता है। पर मेरी सलाह ये रहेगी चौधरी साहब कि आप हर साल करीब करीब 10% का स्टेप अप अप्रोच लें। अगर आप हर साल अपनी SIP को साल में 10% बढ़ा देते हैं तो यही पोर्टफोलियो आपका करीब करीब 3.5 करोड़ का बन जाएगा, तो आपकी बहुत अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है, 22 साल बाद जो खर्च आपका आज है, मान लीजिए अगर आप 30,000 रुपये आज खर्च करते हैं तो 20 साल बाद आपको वही सेम लाइफस्टाइल 80,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की प्लानिंग आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्टेप अप करते रहें ताकि आप महंगाई को बीट करते रहें, और डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश करें ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी रहे और रिटर्न्स भी अच्छे। ओके जयप्रकाश जी, कुछ सलाह आपके लिए, जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, शुभकामनाएं। मुकेश देशमुख अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर ले। मुकेश जी बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप कुछ प्लानिंग पर काम कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जरा बताइए हमारे एक्सपर्ट्स को कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और टारगेट क्या है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा क्वेश्चंस लेने के लिए धन्यवाद। मैं अभी मेरा पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें मेरे 8 म्यूचुअल फंड है जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है थ्रू मेल। तो मैंने 2017 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इंक्रीज द फंड्स। तो ये पोर्टफोलियो मैंने खुद बनाया है, मैं आपका जी बिजनेस रेगुलर देखता हूँ, एंड उसमें मैंने डाइवर्सिफाइड फंड लिया है। तो मुझे बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन था मेरा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैंने ये फंड अभी मेरे पोर्टफोलियो में है तो ये सही फंड है या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आई हैव टू मेक ए 2 करोड़ का कॉर्पस मुझे बनाना है फॉर रिटायरमेंट के लिए। तो इन व्यू ऑफ दैट मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए रिगार्डिंग। ओके विश्वजीत जी, क्योंकि आपने इनका पोर्टफोलियो स्टडी किया है इसलिए मैं आप ही से जानना चाहूंगी, मुकेश जी का पोर्टफोलियो कैसा लगा 2032 तक 2 करोड़, क्या इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ कॉर्पस काफी रहेगा इनके लिए? देखिए स्वाति जी, वो डिपेंड करता है कि उनके आज के खर्च कैसे हैं। अगर कंजर्वेटिव है, कम खर्च है, तो ऑब्वियसली ये पोर्टफोलियो इनफ रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुकेश जी ने ये कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि 8-10 साल में काफी इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, और वही लाइफस्टाइल जैसे मैं अभी पिछले निवेशक को भी बता रहा था कि आपका जो आपके घर के खर्च हैं वो काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो अगर मुकेश जी का पोर्टफोलियो देखते हैं तो काफी डाइवर्सिफाइड है। मुकेश जी आपने टीवी देख के, जी बिजनेस देख के काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, उसके लिए बधाई है आपको। काफी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं और फंड का चुनाव भी काफी आपने अच्छा किया हुआ है। बस थोड़ा सा मैंने देखा कि आदित्य बिरला सनलाइफ का स्मॉल कैप फंड जो है वो शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसके पीयर्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं अपनी SIP को। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले। जो आपका एक्सेस फोकस 25 फंड था वो काफी समय से अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहा, बट अभी रिसेंटली देखें परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई है, तो आप उसमें भी बने रहें तो हो सकता है आपको वहां पर डाउट होगा। और जहां तक आपने गोल की बात करी 2 करोड़ की, तो आपका अभी प्रेजेंट कॉर्पस 30 लाख के करीब है। अगर हम 8 साल का पीरियड लेके चलते हैं तो 12% का CAGR लेके चलते हैं तो करीब करीब 74 लाख रुपए बन जाता है ये। और वहीं आपने जो SIP बढ़ाई है बिल्कुल समय के साथ, बहुत अच्छा
कदम आपने उठाया है, तो 45,000 की SIP भी अगर आप 8 साल तक निवेशित रहते हैं तो ये भी करीब करीब 72 लाख बन जाता है, तो करीब करीब ओवरऑल 1.5 करोड़ तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन 50 लाख का यहाँ पर भी गैप है, तो आपको कहीं ना कहीं हर साल 15% के हिसाब से अपना स्टेप अप करना चाहिए SIP, तब जाके आप 1-2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और जैसा स्वाति जी ने बोला कि अगर आपने इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करी है तो उसको भी अवश्य करें, और अपने हर साल आप स्टेप अप तो आप कर ही रहे हैं, कोशिश करें जब कोई लमसम पैसा मिलता है या बोनस मिलता है वो भी आप निवेश करें, ताकि आप महंगाई को भी अच्छे से बीट कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बस अपना थोड़ा सा स्टेप अप करते रहें तो अच्छा रहेगा। ऑल राइट जी मुकेश जी, ध्यान रखिएगा, स्टेप अप कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने राह की तरफ आगे बढ़ते चलिए, यही आपके लिए सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। थैंक यू सो मच हेमंत सर और साथ ही विश्वजीत जी, आप दोनों का हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और मनी गुरु में भी आज के लिए बस इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।